हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ वीबी टेक्नो से। ये अपना एफजेड 135 मॉडल है, अपग्रेड मॉडल है, जिसमें आप 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक पैक कर सकते हैं। इसमें आप प्रिंटेड रोल भी यूज कर सकते हैं, प्लेन रोल भी यूज कर सकते हैं, सिंगल सिंगल पाउच बनाना है तो भी बना सकते हैं, और आपको लड़ी में एकदम पैक करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी आप फिलहाल हम इसमें मसाला पूरा पैक करके आपको दिखाएंगे। इसमें नाइट्रोजन सिस्टम अटैच करना है तो भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए कंप्रेसर की जरूरत नहीं, उसका एक सिलेंडर रहता है, वो सिलेंडर आप अटैच करके इजीली इसमें नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें बैच कोड लगाना है तो लगा सकते हैं, रिबन कोडिंग, इंकजेट कोडिंग, टीआईजे प्रिंटर जो भी लगाना है लगा सकते हैं इजीली। टोटली एसएस बॉडी में आएगा, ठीक है। और इसे घरेलू लाइट से ही चल जाएगा, सिंगल फेस से, जगह भी ज्यादा नहीं रोकेगा आपका। और क्या है कि पूरा कॉम्पैक्ट मॉडल, नीचे यूनिवर्सल व्हील्स भी दे दिया है, हाई क्वालिटी के ब्लैक ऑक्साइड किए हुए हीटर दे दिया है, तो आप इजीली इसको चला सकते हैं। और आइटम में देखें तो काफी सारी आइटम, ये ऑल इन वन मॉडल आप बोल सकते हैं। इसमें ड्राई पाउडर है, ड्राई फ्रूट है, मसाले है, खड़े मसाले है, पीसे मसाले हैं, ठीक है। आपका हार्डवेयर स्मॉल पार्ट रहेगा, जैसे हुक का वीडियो मैंने रखा था वो देखा होगा, बटन वाले वीडियो रखा है, ऐसी कोई आइटम है वो भी पैक कर सकते हैं। तो पूरा ये वीडियो में हम दिखाएंगे पूरा कैसे पैक होता है, ठीक है। चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए, इसमें हमने अभी जीरा रख दिया है, आप कोई भी अपना खड़ा मसाला, पिसा मसाला या जो भी आइटम रखना है वो ऊपर में रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से वजन सेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से प्लस माइनस वजन कर सकते हैं, स्लो मीडियम फास्ट सभी मोड दे दिए हैं। यहाँ से स्लो में ही चलाना है आपको, एक्यूरेसी चाहिए तो, ठीक है, स्पीड चाहिए तो फास्ट में, स्टार्ट स्टॉप ये डिस्चार्ज है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और जो लेंथ वगैरह आपको करना है वो यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, आपका जो पाउच का लेंथ है, अभी प्रिंटेड लगा है तो वो तो आई मार्क के हिसाब से चलेगा। यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो अभी पूरा स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, पूरा मशीन अपना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आई मार्क का सेटिंग भी कर दिया है, 10 ग्राम वजन रख दिया है। इसमें कंप्रेसर की भी जरूरत नहीं है अपने को ये मशीन ऑपरेट करने के लिए, देख सकते हैं आप पाउच का। ये पूरा आई मार्क टू आई मार्क चलेगा। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग वगैरह भी, लास्ट में भी हम आपको इसका फिनिशिंग दिखा देंगे। अभी आपको एक्यूरेसी भी यहाँ पे दिखा देते हैं। 10 ग्राम सेट किया तो मतलब 10 ग्राम ही आएगा। और यहाँ आई मार्क का भी आपको कैप्चर दिखा देते हैं पूरा, जो आई मार्क सेट किया वही सेंस करेगा, उस हिसाब से पूरा सील होगा, ठीक है। यहाँ पे रोल लगाना है तो आप 12-15 किलो का लगा सकते हैं, अगर बड़ा रोल लगाना है तो उसके लिए डी कोयल मोटर लगा देंगे तो 15-20 किलो का भी रोल आप लगा सकते हैं, सॉरी। मैं थोड़ा दूर से आपको मशीन पूरा दिखा देते हैं वर्किंग, तो इस हिसाब से ऑटोमेटिक मशीन पूरा चलता रहता है, अपना कोई भी आइटम आप इजीली इसमें पैक कर सकते हैं। देखिए, पूरा लड़ी बना है, देख सकते हैं आप, सिंगल सिंगल पाउच पैक करना है तो भी कर सकते हैं, इसे लड़ी में पूरा सेट करना है तो भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वजन होता जाएगा और पैक होता जाएगा। इसमें डेट कोडिंग वगैरह डालना है तो आप कोडिंग मशीन भी अटैच कर सकते हैं, नाइट्रोजन सिस्टम भी अटैच कर सकते हैं, घरेलू लाइट से ही चल जाएगा, सिंगल फेज से ही। अभी आपको पूरा ये पाउच तोड़ के दिखा देते हैं, पूरा जो पाउच बना है आप देख सकते हैं पूरा, बैक साइड भी आपको दिखा देते हैं पूरा, ये पूरा बैक साइड आप देख सकते हैं। अभी एक पाउच तोड़ के आपको इसका जो मिसमैच है या नहीं वो भी दिखा देते हैं, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। देखिए, पारा पाउच तोड़ रहे हैं, इसका बैक साइड का आपको दिखा रहे हैं पूरा, एकदम 0-0 आएगा, नो मिसमैच। फ्रंट साइड दिखाइए आप, फ्रंट साइड भी देख सकते हैं पाउच का, एकदम बढ़िया फिनिशिंग निकलेगा आपका, ठीक है। अभी आपको दूसरा आइटम पैक करके दिखाते हैं उसमें, ये अभी इसके अंदर राय रख दिया है और 20 ग्राम का सेट किया वो दिखाते हैं पूरा, स्टार्ट। अब दिखेगा आपको राय पैक करते हैं ना वो, Thank you.
आप देख सकते हैं पूरा, तो इजीली आपका मटेरियल कोई भी मटेरियल पैक कर सकते हैं आप इसमें। बाकी काफ़ी कमेंट आता है कि ये रोल कहाँ से मिलेगा, वो उसके लिए डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, तो उसका भी हम एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। तो पूरा ऑटोमेटिक ऐसे चलता रहेगा मशीन्स। अभी आपको इसका भी पाउच का फिनिशिंग दिखा देते हैं। इसमें कोई भी खड़ा मसाला पिसा मसाला आराम से आप पैक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पूरा पाउच ले जाओ, साइड से थोड़ा दिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं आप पूरा कैसे पाउच बन रहा है। देख सकते हैं आप पूरा पाउच का अब एट्रैक्टिव लगेगा, पूरा देख सकते हैं। बैक साइड दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं बैक साइड भी आप एकदम जीरो जीरो। ठीक है, तो आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए उतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।